मिनिस्टर अफजल की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बुजुर्ग कह रहे थे कि सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, ये कल कह रहे थे सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और आज कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है। दरवाजा कैसे टूटा? नदीम मलिक साहब, बात सीधी है कि ये वाकया मामूली वाकया नहीं है, खुदा ना खास्ता इसके असरात जो हैं अदारों पे, रियासत पे बहुत भयानक होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, पहले छोटे सूबों से आवाज निकलती थी, पहले छोटे सूबों से आवाज निकलती थी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मगर पंजाब को आज एहसास हुआ है कि आज छोटे से कौन सा कुछ नहीं होगा। आज क्या कह रहा है, पहले ड्रेस होना चाहिए थी। सुनो क्या कह रहा है, कुछ नहीं होगा। फौजी बरकरार रहेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान भी बरकरार रहेगा, एनआरओ भी नहीं होगा, और इनके जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले, इनको पता है इन सबको जेलों में जाना होने वाली नहीं होता सर। अगर अगर 2-4 हजार आज कैप्टन सफदर का नारा लगाना इतना बड़ा अजाब हो गया है। 2-4 मरियम को बुलाते तो धमकी देती है कि मुझे बुला के दिखाओ मैं पत्थर मारूंगी, दूसरे को बुलाओ तो कहता मैं गाली दूंगा, तीसरे को कहता मैं कहता हूँ 30 लाख आदमी मौलवी कहता लेके आ जाऊंगा। ये क्या बदमाशी गुंडागर्दी है? आपको मुझे पुलिस बुलाया तो हाथ बांध के जाए, कौन है बाप का मुल्क है, कौन है हुक्मरानी की, इसका मतलब बाप का मुल्क है, नौकर बुला नहीं सकते, कन्विक्टेड मुजरिम है उसको बुला नहीं सकते, शर्म आती है ऐसे वजीर है। कोई सियासी गड़बड़ तो नहीं होने वाली? कुछ नहीं हो रहा सर, 2-4 हजार की बातें करना आसान है, इसके अंदर उबाला ले ले खत्म हो जाएगा। ये वफाकी वजीर 2-4 हजार की बातें करनी आसान होती है, संभालनी मुश्किल हो जाती है। देख लेते हैं ना, आप भी यही और हम भी यही है। चलो ये वाले बातें करनी आसान नहीं है जो आप सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपसे संभाला नहीं जाएगा, कप के अंदर एक मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं संभाला जाएगा। छोटा सर क्या हो जाएगा, क्या होगा? हमने हमने कुछ ठेके हम मार के पेड़ से नहीं आए थे ना वजीर बन के, कोई बात नहीं। अगर आपने आपने चोरों के हवाले करना है आज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप भी चोर साबित हो चुके हैं। अगर आप चोरों के मूल दुश्मनों का हिंदुस्तान का नैरेटिव देना है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का दे दे हमें लाए, वो अगर कहते हैं कि आप इन चोर डाकू को दे दे, अभी भी जो हमारा हिंदुस्तान का बयान लेके चल रहा है दे दे, अभी तो आप भी चोर साबित, हम कुर्बान कर देंगे, अभी तो आप हम अपनी कुर्सियां बचाने नहीं निकले, बचाने निकले। हुकूमत तो इस वक्त आपकी है, वो तो इनको नहीं जाने वाली। जावेद लतीफ साहब, आपके ख्याल में रास्ता क्या है? वो पाकिस्तान वालों, ये आवाज तो सुनो, जावेद लतीफ साहब की वजीर बोल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है, हमने तो ऐसे वजीर नहीं देखे जो इस अंदाज से बोलते हो, हमने ऐसा वजीर अजम भी नहीं देखा। पाकिस्तान कुछ तकद्दस होता है मनसब का, ऐसे मनसब का बोझ होता है। लतीफ साहब, सिलेक्टर कमेटी ने ये अंदाज तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई कॉम्प्लेक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, अल्लाह की मेहरबानी, हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, हमारा तो हमारी सलाह तो नहीं कर सकते, हम खानदानी सियासी लोग हैं सर। आपकी आपकी सियासत क्या है? 200 रुपए किलो अंडे, यानी कि जिस और जो दर्जन है वो आलू और टमाटर मिलेगी, ये आपकी सियासत है। अच्छा अच्छा, वो अगर आप इतने डिस्क्रिमिनेट हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मसले से, वो वीडियो फेक है, तो मुझे तो बोले। अच्छा, वो वीडियो फेक है, वो वीडियो फेक है, दो मिनट, वो डॉक्टर डॉक्टर है वो।